हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो तालिबान ने फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि पाकिस्तान जानबूझकर अपना एयर स्पेस यूज़ करवा रहा है यूएस को तालिबान में एयर स्ट्राइक्स करवाने के लिए, बॉम्बिंग करवाने के लिए। अब आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले भी तालिबान ने पाकिस्तान को वॉर्न करते हुए बोला था कि वी आर नॉट गोना टॉलरेट द एयर स्ट्राइक्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय आवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने बोला था। फिलहाल के वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी तालिबान के रूल को एस्टेब्लिश होने में अफगानिस्तान में, लेकिन ये बोला भी गया था और जो कि अब देखने में भी आ रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं रहेंगे, और वो ही अब हमें देखने को मिल रहा है। आए दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है तालिबान। तो ये कौन से इंसिडेंट को लेकर बात करी गई है, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तालिबान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान है उसने अलाउ करा है यूएस ड्रोन्स को अपना एयर स्पेस यूज़ करने के लिए, ताकि अफगानिस्तान को एक्सेस करा जा सके और वहाँ पे बॉम्बिंग कराई जा सके। लेकिन जैसा कि बहुत ही अपेरेंट सी चीज़ है, पाकिस्तान ने इस चीज़ को डिनाई करते हुए बोला है कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं और ना ही हमें कोई नॉलेज है कि यूएस के स्ट्राइक्स आपके यहाँ हो रहे हैं। और जो अलकायदा का लीडर मारा गया है यूएस के, एक महीना पहले जो स्ट्राइक हुआ था 2 अगस्त को आई फील, उसमें जो अलजवाहिरी मारा गया था अलकायदा के लीडर, उसकी भी हमें कोई नॉलेज नहीं थी। पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से डिनाई करता है। अब पाकिस्तान को अक्यूज़ इसलिए कर रहा है तालिबान क्योंकि जो एक महीने पहले यूएस ने अपनी ड्रोन स्ट्राइक करी थी तालिबान में, उसमें अलकायदा का लीडर अलजवाहिरी मारा गया था। और ये जो ड्रोन स्ट्राइक थी, ये पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करके ही की गई थी। अब अगर हम बात करें यूएस क्यों अलजवाहिरी के पीछे पड़ा था, तो पूरा मामला 9/11 अटैक से शुरू होता है, जो कि 2001 में हुए थे यूएस में। ओसामा बिन लादेन और अलजवाहिरी, इन दोनों ने ही इन अटैक्स को प्लॉट करा था। और एक्चुअल में अलकायदा की जो नॉलेज थी, वो अमेरिकन्स को इसी अटैक के बाद पता चला कि अलकायदा भी कोई चीज़ है, कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है। और ये बहुत ही भयानक अटैक्स हुए थे जिसमें कि करीब 2200 के करीब लोग मारे गए थे। इसके बाद से ही यूएस ने दोनों को हंट करना शुरू करा था। जैसा कि आप सबको पता है, ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था पाकिस्तान में 2011 में 2 मई को, और अब 2 अगस्त 2022 में अलजवाहिरी को भी मार दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान में मिला है। अब कुछ सोर्सेज की माने तो ये बोला जाता है कि अलजवाहिरी की जिस टाइम एयर स्ट्राइक में मौत हुई, वो एक टॉप लीडर ऑफ पाकिस्तान के घर में थे। अब जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद यकूब, उन्होंने बोला कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें हमें यही पता चला है कि अफगानिस्तान में जो अटैक्स करवाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहे हैं। पहले जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं, उनका एयर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तब जाके वो जो ड्रोन्स स्ट्राइक हैं, जो एयर स्ट्राइक हमारे यहाँ हो रही है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बोला हमने पहले भी जो एयर स्ट्राइक के बाद भी हमने बहुत चेक करा था और हमारा एयर स्पेस नहीं यूज़ करा गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ फ्लड सिचुएशन बहुत ही बेकार है, तो हमारा फोकस फिलहाल यहाँ है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि हमने जानबूझ के अपना एयर स्पेस यूज़ कराया या फिर हमारा एयर स्पेस इन एनी वे यूज़ हुआ है आपके यहाँ अटैक करवाने के लिए, तो हम दोबारा चेक कर लेंगे आपके एलिगेशंस के बाद, लेकिन प्लीज़ एक्सपेक्ट द पोजीशन टू बी द सेम, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम, और हमारी कंट्री वैसे भी इस हालत में नहीं है फिलहाल। सो प्लीज़ लेट अस फोकस ऑन द सिचुएशन ऑफ आवर ओन कंट्री। अब इन अटैक्स के चलते, जैसा कि ऑब्वियसली यूएस ने बोला है, जब ये अटैक हुआ था उसमें अलजवाहिरी मारा गया था, उस टाइम पे जो बाइडन आए थे उन्होंने एक पब्लिक स्पीच दी थी कि इतने दिन की हंटाश ख़त्म होती है और हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ, अलजवाहिरी मारा गया है, एक टेररिस्ट मारा गया जो ग्लोबल टेररिस्ट है। तो उन्होंने ये स्पीच दी थी, और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी बोला था कि तालिबान ने वायलेट करा है 2020 एग्रीमेंट। जब यूएस ने अपनी फोर्सेस हटाई थी अफगानिस्तान से, तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू टेररिज्म या फिर कोई भी टेररिस्ट यहाँ पे शेल्टर नहीं करेगा, अफगानिस्तान उसको होस्ट नहीं करेगा। लेकिन अलजवाहिरी को वहाँ रख के शेल्टर प्रोवाइड करवा के उन्होंने ग्रोसली वायलेट करा है वो एग्रीमेंट, तो ये होना ही था ऑफ कोर्स।
अभी देखो इन सब की वजह से पाकिस्तान एक और कैओस में आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है पाकिस्तान की। पहले इमरान खान का केस, फिर पीओके में जो प्रोटेस्ट हुए वो, जिसकी वजह से उनको अपना 15th अमेंडमेंट वापस लेना पड़ा, फिर बलूचिस्तान में वहाँ प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं, दूसरा अब फ्लड आ गई है, इकोनॉमी पाकिस्तान की गिरती ही जा, बहुत ही बुरी कंडीशन में फ़िलहाल पाकिस्तान है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक लॉस और बहुत कुछ हो रहा है, और ऊपर से तालिबान ने जो अलकायदा का फोकस है वो भी पाकिस्तान की तरफ कर दिया है, ये कह के कि पाकिस्तान की वजह से उनका लीडर मारा गया है। तो अभी देखना ये बाकी है कि जो अलकायदा है वो पाकिस्तान की तरफ कोई एक्शन लेता है या नहीं। आई होप ना हो ऐसा, लाइक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं जो भी टेररिस्ट लोग करते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई विल कीप यू अपडेटेड एंड दिस वाज द वीडियो फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।